सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज बज चुके हैं 3 एंड मैं उठ चुका हूं एंड मेरे लिए तो सुबह हो चुकी है, आपके लिए नाइट भी हो सकती है। क्या पता आप 3 बजे उठते हों, क्योंकि आप लोग भी सुबह जल्दी उठ के ना स्टडी करके और थोड़ा सा लेट उठने के बाद फिर स्टडी करते होंगे। तो चलिए, फिर बाहर देखा काफ़ी अंधेरा था, उसके बाद स्टडी टेबल थी जो कि साफ़ की एंड टाइम देखा तो 3:10 हो चुकी थी, यानी टाइम बढ़ता जा रहा था। लेकिन अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी एंड पहला स्लॉट लगाना था, और स्लॉट लगाने से पहले अभी मुझे टारगेट लिखना है, क्योंकि रात को टारगेट नहीं लिख पाया था। तो सबसे पहले अपना आज का टारगेट लिख लेते हैं कि आज मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। सबसे पहले अपना टारगेट लिखेंगे तो आज के टारगेट में मेरा है, आज मुझे PSIR के नोट्स की रिविजन करनी है, जो कि हैंड रिटन PSIR के मेरे पास नोट्स हैं, जो कि मेरा ऑप्शनल है। साथ में मुझे इकोनॉमी की क्लास करनी है, और साथ में पॉलिटी के कोई एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और साथ में न्यूज़पेपर और करंट अफेयर, और साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, PSIR की अलग करनी है जो कि ऑप्शनल की, और साथ में GS की अलग से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे टारगेट्स लिखने के बाद और उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। पहला स्लॉट जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसमें कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक है, और इसमें टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन लेकर के आगे बढ़ना है। वैसे तो इसको मैंने पहले कवर किया है, लेकिन अभी मुझे रिविजन करनी है, तो इस वजह से ये हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं, तो इसको मैं कवर करूँगा। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑप्शनल से रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग मेरे पास क्वेश्चन करते हो, आपके कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस देखता रहता हूँ जो कि ऑप्शनल से रिगार्डिंग थे। ऑप्शनल की मैं तैयारी कहाँ से करता हूँ, ऑप्शनल के लिए कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल के लिए मेरे पास जो है PWOLIS के नोट्स हैं, और साथ में सुब्रह रंजन मैम के नोट्स हैं, दोनों को मैं पढ़ता हूं एंड साथ में एड ऑन करके पढ़ता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस स्लॉट को, एंड ये स्लॉट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सुबह 3 से 6 तक होने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा शॉर्ट होगा और साथ में 3 घंटे का होगा। तो चलिए फिर नोट्स को कवर करते हैं एंड रिविजन करने के बाद मिलते हैं आप सभी से। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got old. दोस्तों, ऑप्शनल के अगर नोट्स की रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं आपको कुछ ऑप्शनल के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज दे सकता हूँ। यानी कि आप अगर NCERT कवर कर चुके हैं, UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये समय होता है आपके ऑप्शनल डिसाइड करने का। जब आप GS कंप्लीट करते हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है आपका इंटरेस्टेड है, और साथ में ऑप्शनल के आप नोट्स भी देख सकते हैं, और साथ में कुछ PYQ और उसका सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप ऑप्शनल के आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे पानी पीना था, मैंने अपनी किचन में गया एंड सबसे पहले चेक किया तो किचन में ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन सबसे पहले पानी भरते हैं मटकी से, एंड मटकी से पानी भरने के बाद उसके बाद पानी पिएंगे। पानी भर लिया था मैंने एक गिलास, और उसके बाद फिर पानी पीने के लिए निकल गया, एंड साथ में मुझे ब्रश भी करना था क्योंकि अब न्यूज़पेपर भी कंप्लीट करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर आ चुका है द हिंदू, एंड डेली द हिंदू न्यूज़पेपर सुबह सुबह आ जाता है। वैसे इसका व्हाट्सअप ग्रुप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली हमें हार्ड कॉपी में नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहते तो आप फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप भी ऐसे नहीं मिलता है। मुझे कहीं से ऐसे ग्रुप मिल गया था, तो मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। बात करूं अगर करंट अफेयर की तो कितना कवर हो सकता है करंट अफेयर, तो मैं यहां से आप करंट अफेयर कवर करने के लिए न्यूज़पेपर के कुछ एडिटोरियल को कवर कर सकते हैं, और साथ में करंट अफेयर के साथ साथ आप अगर मैगजीन यूज करें तो उसको काफ़ी अच्छा रहेगा। करने के बाद मुझे नहाना था, तो नहाने के लिए नहा के लौटा, आप लोग देख सकते हैं एंड कटिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बाल बड़े हो चुके थे और साथ में दाढ़ी भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इस वजह से मैंने कटिंग कराई, एंड कटिंग कराने के बाद आज मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से दिख रहा हूँ। तो मैं क्लास कर रहा था, लेकिन क्लास करने
करते मेरी लाइट चली गई। अब लाइट जाने से फिर मैंने सोचा कि अब क्या ही करूँ, लाइट आएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा पार्क ही चलता हूँ। तो बस मैं जा रहा था रोड पर और रिक्शा जी है उल्टा पड़ा हुआ था और साथ में मुझे पार्क जाना था। वैसे एक्सरसाइज थोड़ी बहुत हो जाएगी तो ठीक है, वैसे भी मैं नहीं, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि डेली एक्सरसाइज करने आओ। लेकिन आज मैं स्टडी के चलते काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इस वजह से एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा रहा था। हालांकि लाइट चली गई तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो चलते हैं, क्योंकि अब वो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि गर्मी थोड़ी पड़ती है और इसके बाद में फिर लाइट नहीं थी तो इस वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि नेट नहीं चलता है और साथ में वाईफाई भी बंद हो चुका था। तो चलिए फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। से घर लौट के आया एंड तब तक मैंने देखा कि लाइट आ चुकी थी। फिर मैंने कपड़े चेंज किए, अपने ड्रेस वगैरह बदली एंड उसके बाद वीडियो शूट करी। तो दोस्तों बुलेटिन शुरू हो रही है और देखिए मैं बुलेटिन तो दोस्तों अभी बुलेटिन एक शूट हो रहा है, यानी कि न्यूज का बुलेटिन, और न्यूज चैनल है हमारा उस पर आएगा ये, ठीक है। 30 मिनट का डेली एक बुलेटिन शूट होता है जिसमें सारे न्यूज होते हैं देश भर के, तो सारे न्यूज अभी मैं शूट कर रहा हूँ। बस 20 मिनट या 30 मिनट के अंदर पूरा वीडियो की शूटिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर एडिटिंग ये लोग करेंगे मिलके। हाँ। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, खैर आज मेरा देख रहे होंगे वही लुक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हूँ। चलिए आपने तो देखा होगा शूटिंग चल रही है और नीचे भाई साहब का घुटना, भाई जो लगता है सूट कोट पेंट पेंट का पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, पर असलियत में पता चलता है ऐसे करके। चलो फिर शूट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों हम लोग घर से ही शूट करते हैं तो अंदर से मतलब ऊपर ऊपर ही ऐसा पहनते हैं, नीचे जाए मतलब कुछ भी पहन लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर का दिखाना है बस, कैमरा लगा हुआ है एंड शूट करते हैं। चलिए फिर वीडियो शूट करने के बाद फिर से वही स्लॉट और स्टार्ट कर दिया अपना आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो कि आप लोग जानते हैं आंसर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए PSIR की आंसर राइटिंग मुझे करनी थी। अब PSIR की आंसर राइटिंग के बारे में बात करूँ तो थोड़ा GS से डिफरेंट होती है। UPSC प्रिपरेशन के दौरान आपको आंसर राइटिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और आंसर राइटिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि मेंस में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी वजह से आंसर राइटिंग डेली करें एंड मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी सिलेक्शन होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Yeah, you show me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never. तो मेंस आंसर राइटिंग का एक स्लॉट लगाने के बाद फिर मुझे अब इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करनी थी, जो कि इसमें कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे उनको कवर करना था। एंड साथ में अगर आप लोग मेरा मिनी व्लॉग नहीं देखते हैं तो डेली देखा कीजिए, क्योंकि शाम को मेरा डेली एक मिनी व्लॉग आता है जो आपको अपडेट करता रहेगा उसमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस भी स्लॉट को, जो कि एक मेंस आंसर राइटिंग का और मेंस आंसर राइटिंग के बाद में फिर इंडियन पॉलिटी का स्लॉट है। एंड इंडियन पॉलिटी का स्लॉट की बात करें तो इसमें मुझे एम लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, साथ में कुछ नोट्स की एड ऑन करते हुए। मुझसे क्वेश्चन किया था कि एम लक्ष्मीकांत तो पढ़ना जरूरी है या फिर PW ओनली आइज के जो नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो कंप्लीट करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों जरूरी हैं, यानी कि अगर नोट्स कवर कर रहे हैं तो वो साथ साथ आपको एम लक्ष्मीकांत भी पढ़नी पड़ेगी। शाम के 6:30 बज चुके थे एंड 6:40 हो चुकी हैं। बात करें अभी तो अभी मैं कंप्लीट कर ही रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इसमें, यानी 2-3 घंटे 4 घंटे लग चुके हैं। और आपको बता दूं आज का ब्लॉग इतना ही, वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।